नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सैफ न्यूज लाइव। आइए देखते हैं आज की खास खबर। दोस्तों, आज का ये जो वीडियो है काफी भयावह तो है ही, साथ ही साथ मानवता को शर्मसार करने वाला वीडियो जो हम इस खबर में दिखा रहे हैं आपको। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, एक सीसीटीवी फुटेज आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा। ये सीसीटीवी फुटेज है वसई के रेलवे स्टेशन का, जहां पर कल 22 अगस्त को एक ऐसी घटना घटी जिसकी कल्पना करने से इंसान की रूहें कांप जाती। दरअसल एक पति ने अपनी ही पत्नी को चलती ट्रेन के सामने धकेल दिया और उसका मर्डर कर दिया। यह घटना है 22 अगस्त सोमवार सुबह की 4 बजे की। परिवार पूरा रेलवे स्टेशन पर था, पति पत्नी और 2 बच्चे। जल्दी सुबह का समय था, पत्नी सो रही थी, बच्चे भी सो रहे थे। तब इस पति ने देखा कि सामने से ट्रेन आ रही है। इसने जल्दबाजी में पत्नी को उठाया और पत्नी जब नींद से जागी तो पति ने तुरंत ही उसको चलती ट्रेन के सामने धक्का दे दिया और वहां से बच्चों को लेकर फरार हो गया। ये सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दे रहा है। ये शर्मसार करने वाली घटना वसई से कल सामने आई। उसके बाद हर किसी को इस घटना पर आश्चर्य हुआ बल्कि दुख भी हुआ। एक तरफ जहां इंसानी रिश्ते अगर नहीं संभल पाते हैं तो क्यों नहीं लोग उन रिश्तों को छोड़ देते हैं, लेकिन किसी की जान लेना कहां तक सही है? हो सकता है पति पत्नी के बीच में कुछ रहा होगा, लेकिन पत्नी ने ऐसा क्या गुनाह किया कि पति ने इस तरह की उसको दर्दनाक मौत दी, खौफनाक मौत दी? पुलिस को दरिंदे पति की तलाश है, रेलवे पुलिस तलाश कर रही है और उम्मीद करते हैं कि जल्द ही रेलवे पुलिस उस दरिंदे पति को खोज निकालेगी और उसको सजा जरूर मिलेगी। लेकिन फिर एक सवाल है कि अब जो 2 मासूम बच्चे हैं उनकी जिंदगी का क्या होगा, क्योंकि उनकी माँ उनसे बिछड़ चुकी और बाप ने तो ऐसा घिनौना काम किया है कि उन बच्चों का उस बाप के साथ रहना भी सुरक्षित नहीं कहा जा सकता। तो देखते हैं ये घटना आगे किस मोड़ पर जाएगी और पुलिस कब इस दरिंदे पति को गिरफ्तार कर पाएगी। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार। हमारे चैनल सैफ न्यूज़ लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786 पर संपर्क करें।